गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी ईवेस की बुक निकाल लीजिए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, हमारे ईवेस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 4 आपका कौन सा है? चैप्टर 4 हमारा क्या है? चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? Long ago, when fire was not invented, early men used to eat only raw food, as they did not know the art of cooking. अर्ली मैम्स हुआ करते थे, उनको कुकिंग करनी नहीं आती थी। जब तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो उनको कुकिंग करनी नहीं आती थी, तो जिसकी वजह से वो क्या करते थे, वो हमेशा रॉ फूड को ही ईट किया करते थे। दे वर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन fruits, vegetables, flesh and other things that were easily available in the forest. और वो लोग mostly किस पे depend करते थे? वो लोग mostly depend करते थे fruits पे, vegetables पे, flesh पे, और जो भी food items उनको available forest में easily available हो जाते थे, वो लोग क्या करते थे? उन पे ही डिपेंड करते थे अपने फूड के लिए। कुकिंग डिवाइड द फूड आइटम इनटू टू ग्रुप्स। जो कुकिंग होती है ये क्या करती है, फूड आइटम्स को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। तो फर्स्ट आता है आपका कुकिंग फूड, एंड सेकेंड आता है आपका रॉ फूड। It includes food items that cannot be consumed. Or eaten without cooking then properly, such as rice, chapati, pearls, meat, etc. Cooking food में वो items आते हैं जिनको हम क्या करते हैं, properly अच्छे से cook करते हैं। Okay? वो फूड आइटम्स जो आपके क्या होते हैं, प्रॉपरली अच्छे से कुक करके ईट किए जाते हैं, वो आते हैं आपके कुक फूड में। जैसे कि हो गया आपका राइस, चपाती, पर्सल्स, मीट, इनको क्या करना होता है, जब तक आप इनको अच्छे से कुक नहीं करेंगे तो क्या इनको हम ईट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट आता है आपका रॉ फूड, मींस वो फूड जिनको हम क्या करते हैं, बिना कुक करे ही ईट कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट नीड नॉट टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग, सच एज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें वो फ्रूट्स, वो फूड इंक्लूड होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बिना कुक किए खा सकते हैं। हाँ, बिना कुक किए ही हम इजली उनको ईट कर सकते हैं। कुकिंग केम लॉन्ग आफ्टर द फायर वॉज इन्वेंटेड, मीन्स जब फायर इन्वेंट हो गई थी उसके काफी टाइम के बाद क्या हुआ था, कुकिंग का इन्वेंशन हुआ था। ग्रेजुअली पीपल बिगेन टू कुक फूड एंड देन केम डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग।
तो अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, लोगों ने ऐसे ही जो ग्रेन था उसको कुक किया फायर में, बट इसके बाद में क्या किया उन्होंने, जब उनको कुकिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को स्टार्ट किया उसको कुक करने के लिए. Cooking is not just added flavor to the food, but also changes its texture, made in more tempting, tasty and delicious. Cooking से क्या होता है, हमारा जो food होता है उसमें सिर्फ flavor ही नहीं आता, means taste ही नहीं आता, बल्कि क्या होता है उसका जो texture होता है उसमें changes आ जाते हैं, वो food को और भी ज्यादा tasty बना देता है, टेस्टी और डिलीशियस बना देता है. कुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय अप्लाइंग हीट. कुकिंग क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, हीट को अप्लाई करते हैं फूड को कुक करने के लिए. नाउ न्यू इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी ब्रॉट सेवरल टाइप ऑफ मेथड्स फॉर कुकिंग फूड. फिर जैसे जैसे नई नई इन्वेंशन आती गई तो क्या हुआ, जो कुकिंग जो मेथड थे फूड को कुक करने के लिए वो भी क्या होते गए, टाइम टू टाइम चेंज होते चले गए. अब नेक्स्ट आते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ कुकिंग के. कुकिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है, इट मेक्स फूड सेफ फॉर ईटिंग. सबसे फर्स्ट एडवांटेज क्या है, ये हमारे फूड को क्या करता है, ईट करने के लिए सेफ कर देता है. रॉ फूड में कंटेन बैक्टीरिया, अगर हम रॉ फूड को ईट करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. कुकिंग किल्स दीज ऑर्गेनिज्म एंड मेक द फूड सेफ फॉर ईटिंग. कुकिंग क्या करता है, इन ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है और हमारे ईट करने के लिए सेफ बना देता है. फॉर एग्जाम्पल बॉइल्ड वाटर इज ऑल्सो सेफ टू ड्रिंक दैन टू ड्रिंक डर्टी टैप वाटर ऑफ फ्रॉम एन अनरिलायबल और अनक्लीन सोर्स. जैसे कि अगर क्या हो, हम वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, अगर हम वाटर को बॉइल करके ड्रिंक करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए सेफ हो जाएगा. अगर हम वाटर को जो डर्टी वाटर है उसको ड्रिंक कर रहे हैं या अनरिलायबल प्लेस से उसको लेके ड्रिंक कर रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए सेफ नहीं होता है, उससे हमें क्या हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकती हैं. तो इसीलिए जो कुकिंग होती है वो क्या करती है, वो हमारे फूड को सेफ बनाती है. ठीक, फिर नेक्स्ट आता है आपका, इट मेक फूड इजियर टू ईट एंड डाइजेस्ट. कुकिंग से क्या होता है, हमारे फूड को हम इजीली ईट कर सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं. कुकिंग सॉफ्टन द फूड एंड मेक इट इजियर टू च्यू शैलो एंड डाइजेस्ट. अगर हम फूड को कुक करते हैं तो उससे हमारा फूड क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. और जब हमारा फूड सॉफ्ट हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, इजिली च्यू कर सकते हैं, स्वालो कर सकते हैं और इजिली डाइजेस्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुक्ड मीट इज इजी टू मीट एंड डाइजेस्ट देन रॉ मीट. अगर हम क्या करें, कुक्ड मीट को ईट करें तो वो क्या होगा, उसको हम इजिली डाइजेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रॉ मीट. रॉ मीट क्या होता है, वो इजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्स द कलर फ्लेवर टेस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ फूड. जब भी हम फूड को कुक करते हैं तो क्या होता है, उसके कलर में, फ्लेवर में, टेस्ट में और उसकी जो अपीयरेंस होता है फूड का, उसमें क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं.
Can you think of eating a raw potato? And what about eating aloo chaat? Suppose करिए आप raw potato को ले लीजिए और aloo chaat को ले लीजिए. दोनों में आपको difference दिखेगा ना? क्या आपका raw potato खाने का मन करेगा? No ma'am. नहीं. बस आपका aloo chaat खाने का जरूर मन करेगा, है ना? Yes ma'am. तो आलू चाट सो यमी टू ईट, इसलिए आलू चाट क्या है, आलू चाट ईट करने के लिए बहुत ज्यादा यमी है, टेस्टी है. कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ फूड. तो कुकिंग से क्या होता है, हमारे फूड का जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो इम्प्रूव हो जाता है. Changes its color and appearance. अब वो साथ में क्या करता है, अपने appearance को change कर देता है, अपने color को, texture को change कर देता है. It happens because several type of spices and condiments are added to the food by cooking. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया, फूड को कुक करते टाइम उसमें हमने कई टाइप्स के स्पाइसेस को ऐड किया, कई सारे कंटेनमेंट्स ऐड किए, जिससे क्या हुआ, हमारा जो फूड था वो और भी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बन गया. It adds variety in our meal. ये क्या करता है, हमारे मील में वैरायटी को ऐड कर देता है. Cooking food adds variety in our meal. जब हम फूड को कुक करते हैं तो वो क्या करता है, हमारे मील में ढेर सारी वैरायटीज को ऐड कर देता है. Let's take an example of potato again. अब हम फिर से किसके example लेते हैं, potato का example लेते हैं. Potato can be cooked and eaten in different ways. तो potato को हम क्या कर सकते हैं, cook करते हैं और different different ways से हम क्या करते हैं, उसको eat करते हैं. Such as पकौड़ा, पोटैटो चाट, पोटैटो पराठा, पोटैटो वेजिटेबल्स, पोटैटो चिप्स, है ना. अब पोटैटो की कितनी सारी वैरायटीज को ईट करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम एक ही डिश से, मीन्स एक ही रॉ फूड से ढेर सारी फूड वैरायटीज को प्रिपेयर कर सकते हैं. इट मेक्स फूड लास्ट longer. और जब हम फूड को कुक करते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो क्या होता है, लंबे टाइम तक रह सकता है, मीन सर्वाइव कर सकता है, स्पॉइल नहीं होता. कुकिंग हेल्प्स टू किल द जर्म्स एंड बैक्टीरिया दैन अदरवाइज मे स्पॉइल द फूड एंड थस हेल्प द फूड टू लास्ट longer. जो कुकिंग होती है वो क्या करते हैं, कुकिंग के टाइम फूड में जो भी बैक्टीरिया जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देती है एंड और क्या करती है, हमारे फूड को स्पॉइल होने से, मीन्स खराब होने से, स्पॉइल का मतलब होता है खराब होना, हमारे फूड को खराब होने से बचाती है. और जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो लंबे टाइम तक सेफ रह पाता है. फॉर एग्जाम्पल अनबॉइल्ड मिल्क कैन स्पॉइल विद अ फ्यू आवर्स. अगर हम मिल्क को बॉइल ना करें तो वो क्या होगा, वो कुछ ही टाइम में स्पॉइल हो जाएगा, मतलब कि खराब हो जाएगा. But boiled milk can be last for 3 to 4 days. अगर हम क्या करें, मिल्क को बॉइल कर दें
तो क्या होगा, वो हमारा तो क्या होगा वो फूड हमारा लंबे टाइम तक के लिए भी 3 to 4 days तक के लिए इजिली स्टोर हो सकता है ना? Yes, ma'am. तो ये था आपके एडवांटेजेस ऑफ बुकिंग फूड. तो फर्स्ट एडवांटेज क्या था, इट मेक्स फूड सेफ फॉर ईटिंग. ये फूड को क्या बनाता है, सेफ बनाता है. Then it makes food easier to eat and digest. ये food को eat करने में help करता है और digest करने में help करता है. It improves the color, flavor, taste and appearance of food. और ये क्या करता है, food के color को, flavor को, taste को और appearance को क्या करता है, change करता है. It adds variety in our meals. और ये क्या करता है, हमारी meals में variety को add कर देता है. Means हमें एक raw material से ही क्या होता है, कई सारे food varieties मिल जाती है. It makes food last longer. और ये क्या करता है, जो food होता है उसको लंबे time के लिए प्रोटेक्ट कर लेता है. मीन्स उसकी जो लाइफ स्पेन होती है उसको बढ़ा देता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ कुकिंग. अब अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने कुकिंग के एडवांटेजेस पढ़े थे. अब हम पढ़ेंगे कुकिंग के डिसएडवांटेजेस. कुकिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है. It is believed that access of everything is bad. ऐसा माना जाता है कि अगर हम क्या करें, किसी चीज को जरूर से ज्यादा कुक कर दें, कोई भी चीज जरूर से ज्यादा अगर हम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी. Same can be applied for cooking also. और सेम हमारा इसमें अप्लाइड होता है, सेम हमारा कुकिंग में भी अप्लाइड होता है. अगर क्या होगा, अगर हम जरूरत से ज्यादा फूड को कुक कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो फूड होगा वो खराब हो जाएगा. हाँ, फूड का टेस्ट खराब हो जाएगा. उसमें जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो सब डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. Access of cooking or in simple words, overcooking of food spoils the food and the nutrients present in it. Means, अगर हम cooking साथ मतलब कि food को ज़्यादा cook कर देंगे या फिर हम overcooking कर देंगे तो उससे क्या कर होगा, जो भी हमारे food में vitamins, nutrients present है वो क्या हो जाएंगे, वो सब spoil हो जाएंगे. Even when we cut and wash the food, some nutrients are destroyed. यहाँ तक कि जब भी हम फूड को कट करते हैं, वॉश करते हैं, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी उनमें जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं. It happens because many nutrients are present in the thin layer of skin on vegetables and fruits, and when we peel them off, they are lost. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अनिकेत आप बेटा बुक में देखिए, अनिकेत बेटा आप बुक शो करने की जगह आप बुक में देखिए, नेक्स्ट पेज टर्न करिए, पेज नंबर 34, उसमें हम डिसएडवांटेजेस को रीड कर रहे हैं. तो क्या होता है, कई सारे ऐसे विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं
जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आपके जो रॉ फूड होता है उसकी जो थिन लेयर होती है, मीन्स उसकी जो स्किन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो वॉश करने पे या कट करने पे वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मीन्स खत्म हो जाते हैं. इवन जब आप कुछ ऐसे भी फ्रूट्स है जिनको आप पील करके ईट करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लाइक टोमेटो, कुकुम्बर, पोटैटो, एप्पल, पियर एंड चीकू आर सम एग्जांपल्स ऑफ मोर न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग. अब ये क्या है आपके, जैसे कि पोटैटो, कुकुम्बर, टोमेटो, एप्पल, पियर, चीकू, ये क्या है आपके, ये आपके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट होता है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, इनके स्किन में भी प्रेजेंट होता है. अगर हम इनको पील कर देते हैं, इनकी स्किन को पील कर देते हैं, तो क्या होता है, वो रिमूव हो जाते हैं. If eaten without peeling them off, और इसलिए हमें क्या करना होता है, इनको बिना पील किए ही ईट करना होता है, जिससे क्या होता है, इनकी स्किन में जो भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें अच्छे से मिल सके. तो बताइए सबको कुकिंग के बारे में, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में समझ में आया? Yes, ma'am. चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ द न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग. मींस जब हम फूड को कुक करते हैं तो कुकिंग के बाद फूड में जो भी विटामिन मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में. बस हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन ए के बारे में. Vitamin A is found in food like spinach, methi, carrot, etc. So vitamin A हमको किस type के foods में मिल जाता है? Spinach में, methi में, carrot में और ऐसे कई सारे foods हैं जिनमें हमें क्या मिल जाता है? Vitamin A मिल जाता है. When we cook these vegetables, much of vitamin A is lost. जब भी हम क्या करते हैं, इन वेजिटेबल्स को कुक करते हैं, तो ज्यादातर जो इनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है. बट व्हेन वी फ्राई दीज फूड्स लाइक व्हेन वी मेक पालक पकौड़ा, वेजिटेबल ए गेट डिस्ट्रॉयड. और जब भी क्या होगा, जब भी हम इन टाइप के फूड्स को फ्राई करते हैं, जैसे कि आप पालक के पकौड़े बनाते हैं, राइट? तो जब भी अगर हमने पालक के पकौड़े बनाए, पालक हमारा क्या होता है, स्पैनिश होता है, ठीक है? जब भी अगर हमने पालक के पकौड़े बनाए तो उसको हमने फ्राई किया, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी विटामिन ए प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. देन नेक्स्ट आता है आपका विटामिन बी. Rice contains vitamin B, but when we wash them before cooking, vitamin B present on the layer of rice also gets washed away as it is water soluble. अब क्या होता है, जो विटामिन बी होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विटामिन बी प्रेजेंट होता है राइस की लेयर पे. तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम उसको वॉश करेंगे तो क्या होगा, विटामिन बी वाटर सॉल्युबल होता है, तो जब भी हम उसको वॉश करेंगे तो क्या होगा, उस वाटर के साथ में जितना भी राइस में विटामिन बी प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा. अब नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी.
Vitamin C is lost when we wash vegetables and fruits after cutting and exposing to air for long period before cooking. विटामिन सी कब लॉस होता है? जब हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को वॉश कर देते हैं और क्या करते हैं, फ्रूट्स को कट करके लॉन्ग टाइम तक के लिए हम उसको कहाँ पे रख देते हैं, ओपन रख देते हैं, एयर में ओपन रख देते हैं. इससे क्या होता है, उसमें जो भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है. When the food are cooked for a long time or when we throw away water in which you cook food, we lose vitamin C. तो जब भी अगर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक के लिए फूड को कुक करते हैं या फिर उसको जो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है फूड में उसको थ्रो कर देते हैं, इससे क्या होता है, उसमें जितना भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है वो सब क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, मींस डिस्ट्रॉय हो जाता है. देन नेक्स्ट आता है हमारा ऑयल्स एंड फैट. अब ऑयल्स एंड फैट क्या होता है, When food contains fat are heated. जब फूड में फैट प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, हीट होता है. Fat have the tendency to separate from the food. तो फैट में क्या होती है, टेंडेंसी प्रेजेंट होती है जो क्या करता है, फूड को सेपरेट करता है. You must have seen that on heating, milk and oily layer of the fat comes on the top. तो आपने अपने घर में कभी भी नोटिस करा होगा, जब भी आपने दूध को बॉइल किया होगा, मिल्क को बॉइल किया होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा, तो फैट होता है बॉइल पे, मिल्क में जो फैट प्रेजेंट होता है उसकी क्या होती है, एक सेपरेट लेयर बन जाती है, जिसको आप लोग मलाई के नाम से जानते हैं. तो वो क्या होता है, वो आपका फैट होता है. नेक्स्ट आता है आपका मिनरल्स. मिनरल्स लाइक सोडियम पोटेशियम एक्सेट्रा डिसॉल्व इन वाटर. जो भी मिनरल्स हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है. Minerals get lost when food is first cut. जब हम फूड को फ्रूट्स को कट करते हैं, फूड को कट करते हैं, तभी उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. एंड देन वॉश एंड द एक्स्ट्रा वाटर इन विच दे आर बॉइल्ड इज थ्रोन अवे. और उसके बाद में उनको जब कट करने के बाद में जब उनको वॉश किया जाता है और फिर उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर ऐड हो जाता है और जिसको हम फेंक देते हैं, उसमें भी क्या होता है, उनमें जो मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा था, आज हमने पढ़ा कुकिंग फूड के बारे में, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फूड को कुक करने से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, आज हम लोगों ने उस बारे में पढ़ा. राइट, यस मैम, यस मैम. तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड से कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. बाय मैम. बाय.